नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गंगा दशहरा श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस के शुभ अवसर पर तमसा नदी के तट मां गायत्री घाट के साथ हर घाटों पर पौधारोपण और पौधों की देखभाल होते रहना पर्यावरण और मानव संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य है। और इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने से वातावरण पूरी तरह से पवित्र और कीटाणुओं से मुक्त रहता है। इसके साथ ही प्रकृति की हमारे ऊपर विशेष कृपा भी रहती है। प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि दुनिया कोरोना महामारी के संकट काल से गुजर रहा है, ऐसे में गंगा दशहरा को लॉकडाउन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर ही मनाना उचित है। आज के दिन हम गंगा दशहरा और तुलसी के महत्व को ध्यान देते हुए अपनी भारतीय संस्कृति पारंपरिक ढंग के बने मकानों में रहने वाले ज्यादा सुखी और शांत रहते थे, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण तुलसी चौरा क्यारी और वहां सुबह के वक्त चढ़ाए जाने वाले जल के अलावा शाम के समय रखा गया दीप महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान रहती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा दशहरा दशमी के दिन राजा भागीरथ की विशेष तपस्या से गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए गंगा अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शिवलिंग की स्थापना किए थे।